दोस्तों, आपने एक रिसेंटली न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि मोरबी शहर में एक झूलता ब्रिज यानी कि पुल था, वो बुरी तरह से टूट चुका है और उस पुल एक्सीडेंट में करीबन 60 से भी ज़्यादा लोगों की जान तक गई है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उस पुल एक्सीडेंट की सारी गलती कॉन्ट्रैक्टर की है, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पुल का जो वेट होता है वो ओवरवेटेड हो गया था, जिसकी वजह से पुल ब्रेक हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं आज से कुछ साल पहले के मोरबी शहर के बारे में, जब मौत कहर बनकर टूट पड़ी थी उस दिन, और जहां देखो वहीं था तबाही का मंजर। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं मोरबी के मिच्छू डैम हादसे के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि मोरबी के मिच्छू डैम हादसे को हाल ही में 37 साल पूरे हो गए हैं। जिन्होंने इस हादसे को देखा है वे आज भी उसे याद कर सिहर उठते हैं। लगातार बारिश और अन्य स्थानों से आए पानी के कारण मिच्छू डैम पूरी तरह से टूट गया था, जिससे कुछ ही देर में पूरे शहर में तबाही मच गई थी। हादसे में हजारों लोगों की जान भी चली गई थी और लाखों पशु पंखियों की भी मृत्यु हो गई थी। 3 दिन लगातार बारिश से ओवरफ्लो हो गया था पूरा का पूरा डैम। आखिर क्या हुआ था उस दिन? 37 साल पहले यानी कि 11 अगस्त 1979 को दोपहर के 3:15 बजे डैम टूट गया और 15 मिनट में ही पूरा शहर पानी में डूब गया था। 2 घंटे के अंदर ही मकान और इमारतें जमींदोज होने लगे, लोगों को संभालने का मौका भी नहीं मिला। हजारों की संख्या में पशु और पंखियों की मौत हो गई थी। कुछ ही देर में पूरा शहर मानो श्मशान बन गया था। हर साल लोग 11 अगस्त को इस हादसे को याद करते हैं। आज मोरबी एक फिर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोग उस हादसे को याद करके आज भी सिहर उठते हैं। जिन परिवारों का सब कुछ लूट गया उनके दुख को किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता था। जिस लोगों की मिच्छू डैम हादसे में मौत हुई थी उन सभी लोगों को सायरन बजाकर दी गई सलामी। मिच्छू डैम टूटने की 38वीं बरसी पर आज मोरबी के प्रशासन द्वारा सायरन बजाकर मृतकों को सलामी दी गई। इस हादसे में जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है वो आज भी उनकी याद में सिहर उठते हैं। वैसे तो मौत के कई रूप लोगों ने देखे हैं, कई बार मौत से जूझने के काम भी इंसान करता है, लेकिन यह हादसा ऐसा था कि मौत ने किसी को भी जूझने का मौका नहीं दिया। जो खोया सो खोया। आज इस हादसे को भले 37 साल गुजर गए हो, लेकिन सच तो यह है कि यह हादसा यह बता गया कि प्रकृति के कोप के आगे इंसान बेबस है और इंसान की कुछ औकात नहीं। इस हादसे में एक बहुत ही शर्मनाक बात भी हुई, जो हमारे देश की उस समय की प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। इस हादसे के दौरान इंदिरा गांधी उस विस्तार पर इंदिरा गांधी मोरबी शहर को देखने के लिए आई, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने नाक पर रुमाल रखी थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं गुजरात के सड़कों से बदबू आती है, लेकिन हमारे लिए यह सुगंध है। जब 38 साल पहले इंदिरा गांधी ने अपनी नाक पर रुमाल रखी थी कि तस्वीर के बारे में मोदी जी ने जिक्र किया, तब यह बात लगातार इस पर चर्चा हो रही है। चित्रलेखा पत्रिका की वो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें इंदिरा गांधी के नाक पर रुमाल रखी दिखी गई है। और दोस्तों, हाल ही में हुई मोरबी मिच्छू पुल दुर्घटना में करीबन 130 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी शायद बढ़ सकता है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार 400 से भी ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। दुर्घटना स्थल की पूरी मुलाकात लेने पहुंचे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्य के गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी और इनके साथ कई और बड़े राजकीय लोग जांच पड़ताल करने आए थे। लापता लोगों की तलाश करने के लिए जामनगर से एनडीआरएफ की पूरी टीम और 100 से भी ज्यादा तरवैये यानी कि स्विमर्स को उन लोगों की तलाश करने के लिए सबको ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय पर? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल कर देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।